हजरत आसमा बिन अबू बकर फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में दाखिल हुए। काफिरों ने पहले से साजिश की हुई थी। हुजूर अंदर दाखिल हुए तो शोर करने लगे और हुजूर के गिर्द लोग जमा हो गए और कहने लगे, क्या आपने कहा है कि बूत झूठे हैं? हुजूर फरमाने लगे, हाँ मैंने कहा है। आपने कहा है कि यह कुछ नहीं कर सकते? फरमाया, कहा है। चारों जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े, माज़ अल्लाह मारने लगे। हजरत सिद्दीक अबू बकर घर पर बैठे खाना खा रहे थे। किसी ने कहा कि हुजूर को मार रहे हैं, न सर पर टोपी न पैरों में जूता, वो जाके दो को इधर तो पांच को उधर फेंके और बार बार कहते, जालिमों तुम उसे मारते हो जो तुम्हारी निजात का सामान लेकर आए हैं। अब इन लोगों ने हुजूर को छोड़कर जनाब सिद्दीक अनवर को मारना शुरू कर दिया। जूतों से उनके सर पर मारते जनाब सिद्दीक बेहोश होकर गिर गए। हजरत आसमा कहती है कि मेरे वालिद को लोग घर लाए तो चेहरा सारा लहू से भरा हुआ था। जब मैंने हाथ सर पर रखा तो बाल और चमड़ी दोनों मेरे हाथ में आ गई। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ जिसने भी नेकी की बदला दे दिया है, लेकिन मैंने अबू बकर को नहीं दिया। अबू बकर का हाथ पकड़कर अल्लाह के बारगाह में ले जाऊंगा और मैं कहूंगा, मालिक इसने बहुत से नेकियां की हैं, इसका अजर तू ही अता फरमा।